सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। धर्मजीत सिंह के निष्कासन से लोरमी में सियासी हलचल तेज हो गई है। JCCJ ने 4 पदाधिकारियों को भी पार्टी से निकाला है। नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला को भी पार्टी से निकाला गया। धर्मजीत सिंह आज समर्थकों के साथ पहुंच सकते हैं रायपुर, तो वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। धर्मजीत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। और आप ये देखिए कि धर्मजीत के समर्थन में भी जो लोग उतरेंगे, हो सकता है कि उनका भी पार्टी से बगावती तेवर देखने को मिले। बालोद से खबर है। बालोद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है और आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का कर रहे दौरा। गुंडरदेही और डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे सीएम। गुंडरदेही में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए दिए निर्देश। मुख्यालय में अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रहने के निर्देश दिए गए। 190 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई। 122 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 68 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया। डोंडी लोहारा के माली घोरी पहुंचे सीएम, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी लोकार्पण सीएम ने किया। सीएम ने की कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री को कोदो अनाज से तोला गया। दली राजहरा में सीएम रोड शो करेंगे। दली राजहरा में कई प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात सीएम करने वाले हैं। तो वही खबर बालोदा बाजार से है, जहां 2 जिलों के दौरे पर पुनिया और मरकाम बिलाईगढ़ पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष बाबा गुरु घासीदास का दर्शन कर किया पूजा अर्चना। मंत्री डहरिया, चंद्रदेव साय और साथ ही कई विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। बालोदा बाजार और जानकी चापा के दौरे पर हैं दोनों नेता। तो खबर बालोदा बाजार से है, जहां पर आप पीएल पुनिया और साथ ही मोहन मरकाम 2 जिलों के दौरे पर हैं। बिलाईगढ़ पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मरकाम। आप देखें कि यहां पर फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। 2 जिलों के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम और साथ ही किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जानी, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है।